वाओ, आज तो मज़ा ही आ जाएगा भिंडी की ये सूखी सब्जी खाकर। हेलो दोस्तों, की हाल चाल। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको कि भिंडी की सूखी सब्जी कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान और झटपट तरीका। तो सबसे पहले हम भिंडी के दोनों साइड को इस तरीके से काट लेंगे और बीच में हम थोड़ा सा चीरा लगा लेंगे ताकि मसाला अंदर, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो मसाला अंदर जा सके। जैसे यहाँ पे काट के दिखाया जा रहा है दोस्तों, ऐसे कि आप इस तरीके से काट ले। तो ये देखिए, हमने सारे भिंडी को कट कर लिया है। जो लगभग बड़ा हो उसको दो साइड में कट ले, और ऐसे अक्सर मीडियम साइज़ का भिंडी ले तो बस साइड साइड का कॉर्नर आपको काटना हो पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए, अब हम जो हमारा ये भिंडी को हमने कट किया था, इसको हम करते हैं फ्राई। तो हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया है और तेल हमारा गर्म होता है, फिर हम इसको फ्राई करते हैं। तो दोस्तों तेल गर्म हो चुका है, तो हम फटाफट इसको फ्राई कर लेते हैं। अब तो चलिए, अब हम इसको फ्राई करके आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों फ्राई करते समय ही हम इसमें थोड़ा सा नमक को ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, हमने हल्का सा नमक और हल्का सा हल्दी इसमें मिक्स कर दिया है। फिर इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो जब ये अच्छे से भून जाएगा तो फिर हम आपको फिर थोड़ी देर बाद दिखाते हैं इसको, तब तक हम इसको भूनते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, भूनने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से हो गया भिंडी। हम आप लगभग इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भूने तेल में। तो चलिए, अब हम सारे भिंडी को निकाल लेते हैं। तो अब हम भिंडी निकाल लिया यहाँ पे देखिए सारा, और अब हम चलते हैं इसको सब्जी बनाते हैं। सूखी सब्जी बनेगा, मसालेदार, बहुत ही बढ़िया। तो हमने सामने यहाँ पे देखिए ये प्याज, इसको छीलकर अच्छे से हमने इस छोटे छोटे ऐसे काट लिए हैं। और हमारा अब जैसे तेल गर्म होता है तो इसमें हम जीरा वगैरह डालकर और फिर चलते हैं प्याज फ्राई करेंगे, फिर सब्जी बनाते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें जीरा डालकर और हरी मिर्च और प्याज डाल के हम इसको भूनते हैं अच्छे से। अब हम प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे, फिर जब ये ब्राउन हो जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा प्याज है जो ब्राउन हो चुका है, तो चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड करते हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड करके और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए फटाफट इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें हम टमाटर भी ऐड करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये हमने टमाटर ऐड इसमें अब कर दिया है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा भूनेंगे फिर हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा नमक ऐड किया था और बाकी नमक हम अभी ऐड कर देते हैं, और इसके साथ जो भी मसाला है वो सब भी ऐड करेंगे अभी। पहले हम इसको नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे प्याज इस समय। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें अब मसाला ऐड करते हैं। ये है हमारा धनिया, ये है हमारा मिर्च और ये हल्दी। तो चलिए सबसे पहले हम एक चम्मच के करीब इसमें हम धनिया ऐड कर देते हैं, ये देखिए। और धनिया के बाद हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे। तो हम आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप दोस्तों दिखा रहे हैं। तो लगभग आधा चम्मच के करीब आप लाल मिर्च ऐड कर दें इसमें। और इसके बाद हम हल्दी थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐड किए थे इसलिए हल्दी थोड़ा कम ऐड करेंगे, तो आधा चम्मच के करीब हम हल्दी भी ऐड कर देते हैं। और फिर इसको बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, हमारा मसाला बिल्कुल भुनकर अब तैयार है। तो चलिए अब हम इसमें भिंडी को ऐड करते हैं। जो भिंडी हमने पहले फ्राई किया था इसको अब हम इसमें ऐड कर दिया है, और अब हम इसको बढ़िया से सारे मसाला इसमें मिक्स करते हैं। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से, आप इस तरीके से सारे मसाला को अच्छे से भिंडी में मिक्स कर दें और थोड़ी देर इसको अच्छे से भूनें। तो चलिए, भूनने के बाद हम जब अच्छे से प्रॉपर मिक्स हो जाता है फिर हम आपको दिखाते हैं। थोड़ी देर इसको ढक के आप रख दें तब तक। तो दोस्तों ये देखिए, हमने थोड़ा सा ढक के कुछ टाइम के लिए ढक के रख दिया था इसको,
और हमारा सब्जी बिल्कुल अब बन के लिए इस तरीके से तैयार है। तो लगभग हमारा सब्ज़ी बिल्कुल बन के बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया था, इस तरीके से आप सब्ज़ी को बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी भिंडी की सब्ज़ी दोस्तों कैसे बनी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कर लें और हम गैस अब बंद करते हैं, अब हम इसको खा के दिखाएँगे आपको। दोस्तों ये देखिए हमारी भिंडी की सूखी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल अब तैयार हो गई है। तो अब हम इसको खाने के लिए चल रहे हैं और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।